हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है बिजली के नए कनेक्शन की, कि हमें अगर बिजली ऑफिस में नया कनेक्शन लेना हो तो उसके लिए हमको कितने पैसे जमा करने होंगे। देखिए, क्या होता है कि हमें सही रूप से पता नहीं होता कि हमें कितना कनेक्शन चार्ज जमा करना पड़ता है, और फिर दिक्कत क्या आती है, जैसे कि कोई भी हमें बेवकूफ़ बना सकता है कनेक्शन लेने के टाइम के इतने पैसे लगते हैं या आप लोग को इतना जमा करना पड़ेगा। तो इन सब गलतफहमी से बचने के लिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप नया कनेक्शन घरेलू उपयोग के लिए ले रहे हैं तो उसमें कितने पैसे आपको बिजली ऑफिस में जमा करने होंगे। अब देखिए, बिजली के कनेक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक तो घरेलू और एक जो होता है कॉमर्शियल होता है। अब घरेलू जो कनेक्शन है जो आप घर के लिए यूज़ करते हैं, और कमर्शियल कनेक्शन जो होता है वो आप दुकान या शॉप या शोरूम्स के लिए जो कनेक्शन लेते हैं उसके लिए आपको लेना पड़ता है। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे घरेलू कनेक्शन की। यदि हम 1 किलोवाट का घरेलू कनेक्शन ले रहे हैं तो इसमें हमें जमा करना होगा सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फ़ीस। अब वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी होती है? रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है आपकी 420 रुपये। तो 420 जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और उसके बाद फिर आपको एक डिमांड नोट जनरेट होता है बिजली विभाग से। अब बिजली विभाग जो है, देखिए, अब रजिस्ट्रेशन के बाद हमसे लेगा 340 रुपये, जिसे सप्लाई अफोर्डिंग या सिस्टम स्ट्रेंथ चार्ज भी बोलते हैं, और सिक्योरिटी का पैसा हमें जमा करना होगा। वो सिक्योरिटी का पैसा होता है 1,000 रुपये। तो 420 रुपये रजिस्ट्रेशन के, 340 रुपये सप्लाई अफोर्डिंग के, और 1,000 रुपये सिक्योरिटी। तो कुल मिला के हमें सिर्फ 1,760 रुपये बिजली ऑफिस में जमा करने होते, और हमें इतने पैसों में नया कनेक्शन मिल जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, बिजली का कनेक्शन जब हम लेंगे तो सिर्फ हमें वहाँ से मीटर मिलेगा, तो उसके लिए जो सर्विस लाइन के लिए केबल वगैरह लेना है वो हमें अपने पैसों से लेना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि जानकारी आपके लिए लाभदायी होगी। हमारे YouTube चैनल पर आने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।